Kajiro, you bro, how are you? ना चिट्ठी ना पत्री ना कोई तार, अचानक ऐसे ही। ओ ब्रो, मोबाइल और इंटरनेट का जमाना और तुम अभी तक चिट्ठी और तार पे ही बैठे हुए हो। चाचा जी, कम से कम एक फोन तो किया होता आपने। तो क्या है ब्रो कि लखनऊ आया था, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो सोचा कॉन्फ्रेंस खत्म करके एक आध दिन यहाँ गुजार के फिर लंदन चला जाऊंगा। विभू कौन आया? चाचा जी आए, लंदन वाले रोशन चाचा। आपने फोन भी किया था जी चाचा जी। हाँ, जीती रहो जीती रहो। खजेड़ो, यू आर लकी, हाँ बहुत ही सुंदर बीवी मिली है तुझे। हाँ लेकिन चाचा जी, मुझे आपसे शिकायत है, आप हमारी शादी में क्यों नहीं आए? हाँ वो क्या है बेटे, आना तो चाहता था, बहुत मन था, लेकिन आई हैड सो मच ऑफ वर्क, आई कुडंट कम, एंड यू नो हाउ लंदन इज, यू नो। अच्छा आप इत्मीनान से बैठिए, मैं झट से आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। हाँ हाँ, वो मट्ठी अचार के साथ लाना मत भूलना। हाँ वो यू डोंट गेट इट इन लंदन, यू नो लंदन में नहीं मिलता। खजेड़ो जी, चाचा जी भाई, बहुत ही खूबसूरत वाइफ है तुम्हारी। हाँ, ब्यूटीफुल वाइफ। थैंक यू। अभी वो खजेड़ो, शादी से पहले जो तू तांक झांक करता था वो अभी भी चालू है या? चाचा जी क्या बात कर रहे हैं आप, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है, मैं ये सब नहीं करता, एकदम कुछ नहीं करता। That I know. लेकिन वो कहते हैं ना कि लोमड़ी के हाथ चाहे जितना भी मटन कोरमा लग जाए, लेकिन वो दूसरे के शिकार पे मुंह मारना नहीं भूलती। हाँ भभूति जी, ये कौन है? ये बहुत बड़ा चेप है भभूति जी। अरे भभूति जी, हाय चेप। कैसे आना हुआ? अरे क्या बताएं, बस बहुत बोर हो रहे थे तो सोचा थोड़ा आप। अगर इतनी बोरियत में चूर हो रहे हैं तो मीनाक्षी टॉकीज पे एक फिल्म लगी है, आपके मतलब की फिल्म है, रेशमा जवान हो गई है, वो दिखाइए। आप रात को देख के आए हैं क्या? इनसे नहीं मिलवाएंगे क्या? नहीं। क्यों? जरूरी है कि यार किसी से मिलवाऊं आपको? नहीं नहीं, खजेड़ो चाचा अंकल। अच्छा नमस्कार चाचा जी। लंदन वाले हैं? अभी फोन आया और अभी पधार लिए? अरे चाचा जी, चाचा जी, आप स्वयं पधार गए, आपका आना जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके में अचानक किसी मंत्री का आ जाना। अरे उठिए, उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए, पड़ा काम को पड़े रहेंगे ये। चाचा जी अभी आए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बाद में कुछ निकलेंगे। What? अरे हम है ना, हमारे घर जाकर निकलेंगे। जी नहीं, जो निकलेंगे यही निकलेंगे, अंगूरी के हाथ का खाना निकलेंगे, मतलब खाएंगे। चाचा जी कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, समझे आप? क्या बोल रहे हो विभू, तिवारी जी इतने प्यार से बुला रहे हैं चाचा जी को, आज के जमाने में ऐसा कोई पड़ोसी मिलेगा जो पड़ोसी के रिश्तेदारों की इतनी खातिरदारी करे? भाभी जी बहुत सही पकड़ी है आपके मुँह से ना, भाभी जी का ये जुमला ना बहुत ही वाहियात, भोंडा और बुरा लग रहा है। चल जाइए 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 जाइए। तो यार तुम मुझे क्यों धक्का मार रहे हो भाई, यू आर पुशिंग मी। अच्छा जी सॉरी। आइए अंकिल जी, आइए। चलिए मिस्टर चेयर, चलिए आइए आइए, आप भी चलिए आइए। चाचा जी आइए आइए आइए, आराम से। अंगूरी अंगूरी, लवली हाउस, बैठिए, तशरीफ रखिए। ओके भैया, थैंक यू। ना लंदन वाले चाचा जी अंकल जी आए हैं। हाय भैया, प्रणाम चाचा जी। जीती रहो जीती रहो बेटी, जीती रहो भाई, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप दोनों, वाह। आज के जमाने में पड़ोसी के मेहमान की मेहमान नवाजी ऐसी करता है जो आप कर रहे हैं? अब क्या बताएं चाचा जी, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा है, पड़ोसी के चाचा जी हमारे चाचा जी, पड़ोसी के पिताजी हमारे पिताजी, पड़ोसी की अम्मा जी हमारी अम्मा जी, पड़ोसी की बीवी हमारी भाभी जी। हाँ आप क्या कहें, जब भी हम आपसे फोन पर बात करते हैं हम भावुक हो जाते हैं। फोन, आप हमसे बात करते हैं फोन पे? जी, और जब भी आप हमें फोन पर गलियाते हैं तब तो हमारा मन बल्लियों उछलने लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। अरे इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैंने कभी इससे फोन पे बात की?
कब इसको गालियां दी? अच्छा चाचा जी, हम आपके लिए ना इंग्लिश खाना बनाते हैं। हाँ इंग्लिश खाना, खिचड़ी बना दो। इंग्लिश खिचड़ी। चाचा जी वो चलेगा तो। तो आप भी शौक रखते हैं। ले आइए दूध। दूध? हेलो बेटा तिवारी, तो लंदन के लिए निकला कि नहीं निकला? आप कौन बोल रहे हैं? अबे गधे, हल्का पाजी नालायक, भूल गया? अरे मैं विभूति का लंदन वाला चाचा बोल रहा हूँ बे। गधे नालायक पाजी, आप लंदन में कहाँ रहते हैं? I don't like it. बैठ। ये सब क्या? क्या है ये सब? चाचा जी ये बहुत दुख भरी कहानी है। दाल मंडी कटरे में तिवारी जी के कच्चे बनियान की एक दुकान हुआ करती थी। 1.5 साल पहले वो दुकान बाढ़ में बह गई। उसके बाद तिवारी जी पागल हो गए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उसके बाद उनके पास जो भी आता है वो उससे कच्चे बनियान का ऑर्डर मांगने लगते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार ये अपने छत की मुंडेर पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि अगर किसी ने मुझे कच्चे बनियान का ऑर्डर नहीं दिया तो मैं जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने इसे कहा ठीक है, तो चाचा लंदन में रहते हैं, वो तुम्हें 5 लाख का ऑर्डर दे देंगे। बस उस बात को पकड़ के बैठ गए। चाचा जी तिवारी जी को 5 लाख का दे दीजिए ना ऑर्डर प्लीज। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे इतने कच्चे बनियान लेके मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा उनका? चाचा जी चिल्ला क्यों रहे हैं, ऑर्डर झूठ मूठ देना है? अरे भाई पागल आदमी है, खुश हो जाएगा बस और क्या। ठीक है अगर झूठ का ऑर्डर देना है तो 5 क्यों, मैं 10 का दे देता हूँ ना। तो 5 के दीजिए चाचा जी, 5 का। ओके ओके, अरे ले लीजिए चाचा जी, पीजिए दूध। थैंक यू। भाई आपने हमारी जो इतनी चमचागिरी की है, मेहमान नवाजी। हाँ वही मेहमान नवाजी, उसके बदले में हम आपको 5 लाख का ऑर्डर देते। क्या 5 लाख? जी हाँ। बाबूजी जी ठीक है, ठीक है तिवारी जी, इट्स ऑल राइट। नहीं भावुक हो रहे हैं आप, प्लीज जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी, ऑल राइट, ओके फाइन, इट्स ओके। बाय बाय ब्रो बाय। चाचा जी आते रहिएगा। और चाचा जी इस बार आप अकेले आए हैं, लेकिन अगली बार चाची जी को जरूर लाइएगा। ले तो मैं इस बार भी आता, लेकिन वो क्या है कि ये उनका 9वां महीना चल रहा। तो अंकिल बता दीजिएगा, लड़का हुआ तो हम मिठाई बांटेंगे और लड़की हुई तो डबल मिठाई बांटेंगे। बट आई टॉकिंग मिस्टर तिवारी, तो बालों का ट्रीटमेंट ले रही हैं और ये उनका 9वां महीना है। चाचा जी हमको भी लंदन बुलाइएगा, हमको भी लंदन देखना है। या चाचा जी अब निकल लीजिए आप, मतलब आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना? हाँ जरूर जरूर, डेफिनेटली मैं पहुंचते ही 5 लाख डलवा दूंगा। ओके बाय बाय ब्रो बाय 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 बाय। 5 लाख डलवा दीजिएगा बैंक में। जरूर डेफिनेटली पहुंचते ही डलवा दूंगा। जी जी जाइए। बाय बाय चाचा जी। ओके और चाचा जी बाय। अरे क्या बताएं अंगूरी, तुम हमारे हो ही इतनी भाग्यशाली। हेलो हेलो तिवारी बेटा,
लंदन से फोन है चाचा जी का। इतनी जल्दी लंदन पहुंच भी गए? हेलो अंकल। क्यों बे? बेशरम? गधे? नालायक? तू अभी तक निकला नहीं लंदन के लिए? हाँ। अरे मैं तेरा वेट कर रहा हूँ लंदन में बेटा। Come here, come on, come on. Why don't you understand? हाँ? लाडू के भैया। अरे भैया। अभी तक आई क्यों नहीं? कौन नहीं आई भैया? अबे मजा नहीं आई। मजा नहीं आई? वो मजा नहीं आया होता है, मतलब पुलिंग होता है। अब स्त्रीलिंग क्यों बोल रहे हैं? बे तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या जो हमारी हिंदी की क्लास लेने आ गया? चल जा, जाके स्कूल जाने की तैयारी कर। नालायक कहीं का। मर गया। कीजिए। अरे ये नाश्ता हमारे सामने काहे ले आई? हम कोई बैल है जो चारा डाल रही हो? हाँ दिया, ये तो बात कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? हटाओ नाश्ता, हटाओ हमारे सामने से। हम इंसानों की तरह अंदर जाके नाश्ता करेंगे, समझी? देख नहीं रहे हम कसरत कर रहे हैं? हाय दिया लड्डू के भैया, आज कमजोरी आ जाएगी इस तरह से एक्सरे साइज करेंगे तो। अरे उसे एक्सरे साइज नहीं, एक्सरसाइज कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं। तो अब तुम किचन का रास्ता पकड़ो और हमारी लौकी का जूस बना के लाओ, जाओ। हाँ तो यार लौकी का जूस। कहा है ना लड्डू के भैया, आप 2-3 महीने ऐसे ही करते रहेंगे ना तो एकदम सलीम बन जाएंगे। हाँ? अभी सलीम कौन है जिसकी बॉडी तुमको इतनी पसंद आ गई? इसीलिए कहते फिल्में देखना बंद करो। कि सलीम बन जाएंगे। अरे उसको स्लिम कहते हैं, सलीम नहीं। हाँ सही पकड़े हैं। हाँ तो जाओ हमारे लिए वो लौकी का जूस बनाओ, जाओ। हाँ हाँ अभी लाते हैं। भैया अभी आनंद आ गई। आप आज गलत हिंदी क्यों बोल रहे हैं? पहले मजा आ गई, अभी आनंद आ गई। ये ले ये चॉकलेट के लिए पैसे पकड़, हिंदी की क्लास लेना बंद कर और स्कूल जाने की तैयारी कर। ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ। सलाम, बहुत ही नालायक लौंडा है। शाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तिवारी जी, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, कैसे भर लाऊं मैं यमुना से मटकी। जरा संभल के चलिए, गड्ढे बहुत हैं। अगर किसी गड्ढे में पैर पड़ गया तो मोच आ जाएगी। हमेशा अशुभ बातें करते हैं, कभी अच्छी बातें भी बोल लिया करें। वो क्या है कि कुछ चेहरे होते ही इतने जलील हैं कि उनको देख के दिमाग में सिर्फ ऐसी ही बातें आती।
अरे जब दिमाग ही जलील हो तो अच्छे चेहरे भी जलील ही नजर आते हैं। जॉन के लिए जा रहे हैं? नहीं, संसद के शीतकालीन सत्र में जा रहे हैं। एक बिल पास होने जा रहा है कि छिछोरों पर लगाम कैसे लगाएं। बस वही बिल पास कराने जा रहे हैं। फिर तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं तिवारी जी। अरे हटिए ना सामने से, आज के चक्कर में कहीं हमारी मंजिल ना छूट जाए। तो फिर आप अपनी मंजिल पकड़िए और हम अपनी मंजिल पकड़ते। आपको पता नहीं है कि हम किस मंजिल की बात कर रहे हैं। आप इस बात से अनजान है तिवारी जी कि हमारी मंजिल कहीं और नहीं, आपका घर है। कुर्ता पजामा पहन के निकले जॉगिंग के लिए, दो टके का तिवारी। भाभी जी, भाभी जी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्दे दिल लिया करते हैं। भाभी जी, ये सवाल बना हुआ है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। हाय दिया, भरभूति जी आप यहाँ? आपकी आवाज सुनी तो खिंचावा चला आया भाभी जी। क्या कमाल गाती हैं आप, आपकी आवाज जब कान के पर्दों को टच करती है तो एक मखमली सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ी से आपके कान के पर्दों को छू लिया। क्या कह रहे हैं, सचमुच हमारी आवाज इतनी अच्छी है? आपकी आवाज में लता जी की पवित्रता है, आशा जी की खनक है, श्रेया की शोखी है और सुनिधि की चंचलता है। भैया हमारे गाना काहे नहीं सुनते? आपने कभी बैल को गाना सुनते देखा है? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए क्या है कि तिवारी जी का संगीत से वैसा रिश्ता है जैसे जैसे उल्लू का सूरज की रोशनी से। ऐसा ना ही कहिए। हाँ, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। लेकिन हम एक बात बोले, आप कमाल गाती हैं। ये तो आपका लड़कपन है, बड़प्पन है। हाँ सही पकड़े हैं। लेकिन हमको एक अफसोस है। क्या अफसोस है? काश लड्डू के भैया भी गाना गाते तो हम उनके साथ चुगलबंदी करते। चुगलबंदी? हाँ सही पकड़े हैं। काश कि मैं अच्छा गा पाता तो भाभी जी के साथ चुगलबंदी कर लेता। भाभी जी चलता हूँ। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ। डार्लिंग, चाय तैयार है। आज मैंने इस चाय में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, दालचीनी सब डाला है। नाउ इट्स कॉल्ड हॉट मसाला टी जस्ट फॉर यू। चाय के बारे में इतना कुछ और मैं जो यहाँ गाना गा रही हूँ उसके बारे में कुछ भी नहीं। बताओ ना मैं कैसा गा रही हूँ? गाने का तो पता नहीं लेकिन सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा कमाल रहता है। ये मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो, ठीक से बोलो ना। डार्लिंग मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी आवाज में क्या दर्द है, क्या सोज है। तुम्हारी आवाज एकदम तुम्हारी तरह खूबसूरत है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं बयान करने के लिए। Really? Really? अच्छा तो बताओ कि मेरी आवाज किस सिंगर जैसी लगती है? किशोर कुमार की तरह। क्या मेरी आवाज मर्दाना लगती है? नहीं, तुम्हारी आवाज तो जनाना है लेकिन जो तुम्हारा अंदाज है ना वो मर्दाना है। किशोर कुमार की तरह। अच्छा विपु, तुम्हें याद है वो स्पेशल फिल्म जिसका ये गाना है? ऑफ कोर्स आई नो, पड़ोसन में गाना है। और तुम्हें याद है वो स्पेशल सीन जब सुनील दत्त साहब सायरा बानो को इंप्रेस करने के लिए किशोर कुमार की आवाज का सहारा लेते? यस, पीछे से किशोर कुमार गाना गा रहे होते हैं और सामने से सुनील दत्त ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो गाना गा रहे हैं। Absolutely right. Thank you, darling. Thank you very much. Thank you किस लिए?
उन खूबसूरत पलों को याद दिलाने का। तभी तुम इतनी हसीन लगती थी जितनी अब लगती हो। रियली? नथिंग हैज चेंज्ड। लेकिन कुछ नया बताओ ना, ये तो मुझे पता है। सुनीता भी मौजूद है, सायरा बानो भी, बस किशोरदा को ढूंढना।